हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश। आईटी मध्य प्रदेश की नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। आज की जो भर्ती दोस्तों, वो मध्य प्रदेश के 3 शासकीय विभाग भर्ती होनी है, ठीक है। और जिसमें आपका पहला रहेगा सरकारी हॉस्पिटल, दूसरा रहेगा जल विभाग, तीसरा रहेगा विमान विभाग, ठीक है। यहाँ पर आवेदन आप लोगों को निःशुल्क है, मतलब कोई भी आपकी शुल्क यहाँ पर नहीं लगने वाली है। आप मेल है फीमेल तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से करना है अप्लाई। और आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की सारी इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं पोर्टल पर क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं पोर्टल पर, और यहाँ पर आपकी जो भर्ती दोस्तों वो रहेगी आउटसोर्स के माध्यम से, यानी थर्ड पार्टी के थ्रू रहेगी, वो ये रहेगी आपकी साइड मैप के थ्रू, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से बंदे, पहले हम बात कर लेते हैं सरकारी हॉस्पिटल की। देखिए सरकारी हॉस्पिटल पहले आपका रहने वाला है, देखिए ये रहेगा दोस्तों सफाई कर्मी का रहेगा, फीमेल यानी महिला आवेदन कर सकती है इसमें, ठीक है। सिविल सर्जन गुना में ही आपकी रहने वाली, ठीक है। यहाँ पर तो यानी जो सफाई कर्मी काम करना चाहते हैं, महिला आवेदक इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकती है। यहाँ पर अब जैसे मान लो क्लिक, आपको अप्लाई करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग क्लिक करोगे, इसका जो होम पेज आपके सामने ओपन हो यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे सामने आप ओपन ये हो रहा है। देखिए यहाँ से आप सबसे पहले दोस्तों आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, यानी रिज्यूम होगा तो आप लोग इसमें अपलोड होगा आपका रिज्यूम, और फिर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल होने वाली, ठीक है। ये रहेगी आप सिविल सर्जन गुना के लिए। ये देखिए 30 अगस्त को दोस्तों यहाँ पे ये जारी हुई नोटिस यहाँ पर, और देखिए एक पोस्ट निकाली गई है, 8 ही पास से मांगा हुआ है, यानी आप लोग 8 ही पास है तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, और आपको ये कई जगह काम यहाँ पर करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और ये 10,000 के आसपास सैलरी आपको मिलने वाली, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, प्लस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगी, ठीक है। ये रहेगी तो ये तो रहेगी महिलाओं के लिए, ठीक है, यदि वो यहाँ पर करना चाहते हैं फीमेल, ठीक है, यहाँ पर गुना के अंतर्गत। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं, देखिए जो रहेगा आपका विमान विभाग में, देखिए ये रहेगी विमान विभाग के क्लीनर की रहने वाली, ये वाली, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ मेरे सामने हो जाएगी ओपन। यहाँ पर देखिए ये जो क्लीनर की रहेगी विमान संचालनालय भोपाल में रहने वाली है, 31 को यहाँ पर ये जारी हुआ है, और देखिए यहाँ पर भी 8 ही पास मांगा हुआ है, एक पोस्ट निकाली गई है, और 10 से 15 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये रहेगी भोपाल में, तो ये भी बहुत खुशखबरी की बात है कि आपको जो हेलीकॉप्टर होते हैं वहां पर रख रखाव होता है, वहां पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे आओगे जल निगम में, देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है जल निगम, जल निगम में रहेगी अकाउंटेंट की, ठीक है ना। यहाँ पर ये दिख रही है आपको, यहाँ पर क्लिक करोगे इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अकाउंटेंट, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर जाओगे आपका जल निगम में, तो ये रहेगी असिस्टेंट ग्रेड 3 की आपकी रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पर। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ असिस्टेंट ग्रेड 3 पे आउटसोर्स का, ठीक है, यहाँ पर तो मेरे सामने ये हो जाएगा यहाँ पे ओपन, देखिए ये रहेगी, और ये 29 को यहाँ पर जारी हुआ है, ठीक है, जल निगम मर्यादित भोपाल में। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है, यहाँ पर देखिए हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं प्लस PGDCA यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी भर्ती, और यहाँ पे आपको टाइपिंग आपके पास आना चाहिए, मैक्सिमम 65 वर्ष एज रखी गई है, एज की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके पश्चात और भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे आओगे देखिए इसके अलावा और भी विभाग होंगे यहाँ पर पद यहाँ पर दिए हुए हैं, यदि आप लोग चाहो तो आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगी आउटसोर्स के माध्यम से, यदि आप लोग चाहते हो कि हमें आउटसोर्स पर काम करना है तो आप लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो चयन होता है दोस्तों यहाँ पर होता है इंटरव्यू के आधार पर, तो यहाँ पर जो लिंक होती है अप्लाई करने की, कभी भी दोस्तों बंद हो जाती है, मतलब आवेदन जैसे उनको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, जितने आवेदनों को चाहिए तो बंद यहाँ पर कर देती है, तो आपको तुरंत करना है अप्लाई। और अप्लाई करने के पश्चात आपके पास आता है ईमेल पर या कॉल आएगा आपके पास, और आपको इंटरव्यू जहाँ पे रखा जाएगा वहां कंडक्ट आया करा जाएगा, कंडक्ट वहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा। तो आज की दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मध्य प्रदेश की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक्स।